आज हम सबसे पहले चर्चा करने वाले हैं कॉटन यानी व्हाइट गोल्ड। व्हाइट गोल्ड के ऊपर गौर कीजिएगा, लगभग 6 महीने पहले मार्केट टाइम्स के इसी चैनल पे हमारा एक विशेष इंटरव्यू कपास के ऊपर हुआ था और हमने आपको यही कहा था कि इस साल 2021 की जो यदि कमोडिटी मानी जाए तो वो कपास की हो सकती है और कपास के अंदर यानी कॉटन के अंदर जबरदस्त तेजी दिखाई दी। और विशेषकर याद रखिएगा, हमने आपको ये भी बताया था कि कपास के अंदर सितंबर माह बहुत महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट लेके आएगा। अगस्त महीने के अंदर और अगस्त सितंबर महीने के पहले या 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। एक तरफा गिरावट की दर्ज हो सकती है लेकिन उसके बाद बाउंस बैक करेगा, ऐसा ही कुछ बाजारों में देखने को मिल रहा है। कॉटन की तेजी की मेन मकसद और मेन वजह बताई जा रही है कि कपास उत्पादक जो क्षेत्र हैं, चाहे वो गुजरात हो या महाराष्ट्र हो, वहां पे तेज बरसात से कपास की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान की खबरें मिल रही हैं। इसके अतिरिक्त कपास के फसल में रोग भी बताया जा रहा है जिससे अच्छे कपास की जो पैदावार है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है और यही वजह है कि जबरदस्त तेजी पिछले लगभग 20 दिन के अंदर कपास में देखी गई। 15 से 20% की एक तरफा बड़ी तेजी कपास के अंदर दर्ज हुई। गौरतलब है कि इसका साउथ वेस्ट मानसून यानी दक्षिण पश्चिम मानसून के ऊपर हमने चर्चा करते हुए आपको बार बार अलर्ट दिया था कि जुलाई अगस्त संभवतः दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए मुफीद नहीं रहे और औसत से कम बरसात रहे। ऐसा ही कुछ हुआ, 30% से कम बरसात अगस्त महीने में दर्ज हुई जो कि मौसम विभाग की अग्रिम भविष्यवाणी के बिल्कुल विपरीत थी, जिसको जबकि मार्केट टाइम्स टीवी के विशेष एपिसोड्स के अतिरिक्त हम लगातार आपको अपडेट देते रहे कि दक्षिण पश्चिम मानसून सितंबर माह के अंदर बहुत तेजी से एक्टिवेट होगा और एक्सेस बरसात होगी यानी उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार लगभग 35% अधिक बरसात सितंबर माह में दर्ज हुई। इसका नकारात्मक प्रभाव खड़ी फसलों पर पड़ा और उसमें कपास एक बहुत महत्वपूर्ण है और कपास ने एकदम से सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के बाद में जो तेजी दिखाई और वो कपास के कारोबारी जिन्होंने माल खरीदा था उनको मालामाल किया, लेकिन जो बड़ी मंदी की अपेक्षा कर रहे थे, चाहे वो कपास है या कपास खली है या कॉटन सीड ऑयल है, उनको बड़ी निराशा हाथ हुई और उनको बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। तो दोस्तों, फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी अक्सर आपको सही निर्णय लेने में मददगार साबित होती है, जिसका लाइव एग्जांपल कपास आपके सामने है जो कि सफेद सोना है। अब कपास में क्या संभावनाएं बन सकती हैं? कॉटन के अंदर कपास के अंदर बहुत बड़ी मंदी की संभावनाएं संभवतः नहीं है और ये व्हाइट गोल्ड यानी सफेद सोना संभवतः 2021 की ईयर ऑफ द कमोडिटी बनने में पूर्ण सक्षम नजर आ रही है।